वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद क्या हुआ। ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है, तो हादसा होगा, ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए, और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो तीन डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है, और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ दो आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये तीन डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो दो डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसा ठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले तीन डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसा ठस लोग भरे थे। तो ये जो पांच डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं, जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। और ये ट्रेन जो हादसा हुआ है वो उसमें कुल 24 डिब्बों की ये गाड़ी थी, जो कोरोमंडल गाड़ी थी, उसके 21 डिब्बे डिरेल हो गए, बाकी के जो तीन डिब्बे थे वो उस तरफ डाउन लाइन पे पलट गए। तो पांच डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। और चूंकि